नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेता सिंह। जिंदगी के कड़वे अनुभवों से उन्होंने सीख लेकर अपनी भविष्य की नींव तैयार की और तमाम संघर्ष का सामना कर वो बन गए पायलट। ये कहानी है राजेश्वर प्रसाद बिधुड़ी की, जिन्हें हम राजेश पायलट के नाम से जानते हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट से राजनीति के शिखर तक पहुंचे एक ऐसे जननायक जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे, लेकिन कुदरत ने क्रूर मजाक किया और अब से ठीक 19 साल पहले हर दिल अजीज धरती पुत्र राजेश पायलट एक सड़क हादसे में इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन जमीन से जुड़े नेता राजेश पायलट का ठेठ अंदाज में राम राम सा कहकर अभिवादन करना हर किसी के जहन में आज भी ताजा है। तमाम संघर्ष का सामना जननायक बने राजेश पायलट अब से ठीक 19 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी यादें उनके चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। याद आए राजेश पायलट, किसानों के मसीहा, मजबूत व्यक्तित्व के धनी, जननायक की कहानी। जिंदगी के कड़वे अनुभवों से दो चार होकर जर्रे से आफ्ताब तक का सफर वाले देश के राजनीति के दिग्गज नेता राजेश्वर प्रसाद बिधुड़ी, जिन्हें हम राजेश पायलट के नाम से जानते हैं। आज राजेश पायलट की 19वीं पुण्यतिथि है। आज से ठीक 19 साल पहले ये वही काला दिन है जब एक सड़क हादसे में राजेश पायलट का निधन हो गया था। बेशक वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके हौसले, संघर्ष, लगन की कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है। दौसा को देश की राजनीतिक मानचित्र पर अमर बनाने वाला कोई और नहीं, वो राजेश पायलट ही थे। चाहे राजनीति का सफर हो या निजी जिंदगी के संघर्ष का, मजबूत व्यक्तित्व के धनी राजेश पायलट ने हर समस्या का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया, बल्कि उसका समाधान निकालने के लिए भी वो जाने जाते हैं। किसानों के मसीहा के नाम से मशहूर रहे राजेश पायलट ने जमीन से जुड़ी राजनीति की जो छाप छोड़ी है, वो आज भी राजस्थान के वासियों के दिलों में उनके राम राम सा कहने के अंदाज के रूप में जिंदा है। वो रियल सेंस में किसान नेता थे, धरती पुत्र थे और एयरफोर्स के अधिकारी के रूप में उनका अपना करियर था, बहुत शानदार करियर। जब राजीव जी उनको राजनीति में लाए, उसके बाद किसान नेता के रूप में उन्होंने जो जन सेवा करी, सिर्फ अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र दौसा की नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे भारत में उनका अपना स्थान रहा, अद्वितीय स्थान रहा। राजेश पायलट का जीवन के प्रति नजरिया बेहद सकारात्मक था। वो हंसी खुशी और जिंदा दिली के साथ जिंदगी जीते थे। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उनका रास्ता नहीं रोक पाती थी। उनके पास हर समस्या का एक ही समाधान था, वो अचूक हल था, नो प्रॉब्लम। उनके इस दो लफ्ज में उनके व्यक्तित्व की मजबूत झलक दिखती थी। राजेश पायलट वो शख्सियत थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको मालूम होना चाहिए उसमें आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, पंजाब, वो आंतरिक सुरक्षा मंत्री थे और उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया कि आज वहाँ पे शांति गिर, आज आप देख लिए कि आज किस प्रकार का मामला है। तो उसके प्रशासनिक पकड़ भी बहुत तगड़ी थी। नहीं, उनमें जो अपनत्व का भाव था, उनमें जो छोटे कार्यकर्ता के प्रति, किसान के प्रति जो लगाव था, और वो सैद्धांतिक आदमी थे। उन्होंने उस वक्त कुछ ऐसे बाबा और तांत्रिक थे जिन पे लोग, जिनके बारे में लोग बात करते हुए डरते थे, उन्होंने कानून के अनुसार काम किया और किसी को कानून के खिलाफ जो काम करने वाले थे उनको बख्शा दिया। राजेश पायलट के राजनीतिक जीवन के किस्से उनके साथियों के साथ साथ आम लोगों की जुबान पर है। 11 जून 2000 को दौसा के जिस भंडाना गांव में राजेश पायलट ने इस दुनिया को छोड़ हमेशा हमेशा के लिए सभी को अलविदा कह गए, उस भंडाना में हर साल उनकी बरसी पर लोग उन्हें याद करने उमड़ते हैं। राम राम सा के अभिवादन से संबोधन करने वाले राजेश पायलट की कमी आज भी उनके चाहने वालों को खलती है। लेकिन नेता से जननायक बने राजेश पायलट की यादें हर किसी के जहन में आज भी जिंदा है। न्यूज 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। राजेश पायलट के निधन का वो पल जब राजस्थान की रोडवेज बस ने पायलट की कार को रौंद डाला था, तब 45 मिनट तक डॉक्टर ने जद्दोजहद की, लेकिन राजेश पायलट को बचा ना सके। कहते हैं मौत कब और कहां आ जाए कोई नहीं जानता,
ये बात 100% सच है। 11 जून साल 2000 का वो दिन जिसे राजस्थान समेत पूरा देश शायद ही कभी भूल पाएगा, जब एक बेहद खौफनाक सड़क हादसे में देश ने एक कद्दावर नेता राजेश पायलट को खो दिया। 57 साल के राजेश पायलट का निधन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र दौसा के भंडारा में हुआ। राजेश पायलट ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे और उनकी कार की भिड़ंत राजस्थान पथ परिवहन निगम के एक बस से हो गई। इस हादसे में राजेश पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने 45 मिनट तक उनकी जान बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मौत का हमला घातक था और आखिरकार उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। सन्नाटे को चीरती हुई एक खबर राजस्थान से दिल्ली तक पहुंची, जिसे सुनकर कांग्रेस का हर नेता सन्न रह गया, क्योंकि उस दिग्गज नेता के निधन की खबर दिल्ली पहुंची थी, जो न सिर्फ राजीव गांधी के गहरे दोस्तों में से एक थे, बल्कि जमीन से जुड़ी राजनीति कर हर दिल अजीज बन गए थे। राजेश पायलट के अचानक निधन से राजस्थान की सियासत में जो खालीपन आ गया था, उसकी भरपाई शायद ही कभी हो सकती है। किसानों की हर समस्या का समाधान करने वाले राजेश पायलट ने राजनीति के घिसे पिटे ढर्रे पर कभी नहीं चले, बल्कि आम लोगों से जुड़कर वो राजनीति की नई राह पर चल पड़े थे। तभी तो वो किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। राजनीति के शिखर पर पहुंच चुके राजेश पायलट ने कभी राजनीति के अंदाज को नहीं बदला। आज राजस्थान के धरती पुत्र जननायक राजेश पायलट बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन असमय उनके जाने का गम और उनकी यादें उनके हर चाहने और जानने वाले के दिलों में भी आज जिंदा है, क्योंकि ऐसे जननायक सदियों में जन्म लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। दौसा के भंडाना में जिस जगह पर सड़क हादसे में जननायक राजेश पायलट का निधन हुआ था, उनके साथ उस वक्त विधायक रहे महेंद्र मीणा भी मौजूद थे। उस हादसे में बाल बाल बचे महेंद्र मीणा की जुबानी ही सुनिए उस दर्दनाक सड़क हादसे की पूरी कहानी। 19 साल पहले आज ही के दिन देश ने एक बड़ा जननायक खो दिया था। राजेश पायलट की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दौसा के पास ही भंडाना गाँव में उनका एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पर उनका निधन हुआ। महेंद्र मीणा जी इस वक्त हमारे साथ में हैं, पूर्व एमएलए हैं और उस वक्त जो है गाड़ी में राजेश पायलट के साथ में थे। उनसे हम बात करते हैं कि क्या घटनाक्रम उस दिन रहा था, क्या हुआ था सर एक्चुअली उस दिन, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ? सर उस दिन स्वर्गीय श्री राजेश पायलट साहब का दौसा लोकसभा क्षेत्र में प्रोग्राम था। कोई धार्मिक आयोजन थे, कई सड़कों के उद्घाटन थे, कई जो भी प्रोग्राम थे वो सार्वजनिक थे और जनता से रिलेटेड प्रोग्राम थे, और वो जनता की बात को मानते थे, कभी भी वो मना नहीं करते थे। जब भी पब्लिक उनको बुलाती थी, क्योंकि सबके हर दिल अजीज थे वो, तो उस दिन वो सुबह सुबह आ गए थे और हम सब साथ, मैं भी स्थानीय विधायक था सिकराई से और उनके साथ थे हम लोग, और एक मार्शल गाड़ी हमारे सरपंच साहब की थी, कजोर जी सैनी साहब की, उसमें हम सवार होके और हम राउंड पे चल दिए। हमने यहाँ सिकंदरा रोड पे एक धार्मिक आयोजन था, एक यज्ञ का था प्रोग्राम वहाँ किया। उसके बाद रानोली में भी एक यज्ञ था, उसमें भी गए। उसके बाद भांडारेज के अंदर एक सड़क का भीकली गांव है, छोटी ढाणी है, वहाँ सड़क का उद्घाटन था। करीब 4 बजे करीब हम उद्घाटन करके उसका शिलान्यास करके और हम जयपुर की तरफ चल रहे थे, और अचानक ही ये हादसा अचानक घट गया। और ये बात हो, उस दिन पूरी गाड़ी भरी हुई थी, काफ़ी लोगों की कैजुअल्टी हुई। मेरे को पता नहीं, मेरे को तो 22 दिन बाद मालूम पड़ा कि स्वर्गीय श्री राजेश पायलट साहब खत्म हो चुके हैं, और तो मेरे को बड़ा पीड़ा हुई। मेरे तो ये था कि उनकी जगह अगर मैं ही खत्म हो जाता तो आज उनके देश की जरूरत थी, उनको उनकी जरूरत देश को थी, वो होते तो। ऐसा बताते हैं कि राजेश पायलट खुद उस वक्त गाड़ी चला रहे थे, किस बात की जल्दी थी, क्यों वो जल्दी निकलना चाह रहे थे? हाँ, गाड़ी लगभग वो खुद चलाते थे, और जल्दी तो क्या थी, लेकिन उस वक्त एक हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी बिहार के, उनका फोन आ गया था कि पायलट साहब क्या प्रोग्राम है, कहाँ हूँ, कि मैं दौसा हूँ, क्या प्रोग्राम है, दिल्ली जाना है, कि आप जयपुर आ जाओ मेरे साथ, अपन साथ साथ चलते हैं। क्यों, मैं साथ था, नेचुरल था, वो एमपी थे, मैं एमएलए मंत्री थे, मैं एमएलए था, तो उनके साथ ही रहता था। तो उनकी वजह से ही मैं तो आज ही दूंगा कि नीतीश कुमार जी ने उनको बुला लिया कि अपन जयपुर से हवाई जहाज से चल चलेंगे। हालांकि उनका प्रोग्राम है बांदीकुई से दौसा से वापस बाई ट्रेन था जाने का, और हमको कह दिया मैं बाई ट्रेन जा रहा हूँ। हमने भी उनको सी ऑफ टाइप कर दिया था, लेकिन वो अचानक एक चलो जयपुर चलते हैं, मैं हवाई जहाज से चल जाऊंगा नीतीश कुमार जी के साथ में। बस उसी की वजह से थोड़ा जल्दी थे, फास्ट थे, और इतने फास्ट थे कि वो जितने भी आगे गाड़ी थी पुलिस की वो भी दरकिनार हो गई थी। बस उस वक्त चलते सामने से कोई रोड आई और ये हादसा घट गया अचानक।
क्यों पायलट साहब हर दिल पे राज करते हैं, कैसा उनका व्यक्तित्व था? अरे सर, उनका व्यक्तित्व मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्या, संसार के जो टॉप लीडर्स हैं, संसार के टॉप टेंस, उनके जैसा व्यक्तित्व था। वो हर एक को बिल्कुल प्यार करते थे, उसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी, ये नहीं ये किस पार्टी का नहीं है, और सबका काम करते थे। और विशेषकर जो हमारे दौसा लोकसभा क्षेत्र के लोग थे, दिल्ली जाते थे, उनके लिए अलग व्यवस्था होती थी, और ये लगता ही नहीं था हम लोगों को कि हम मंत्री से बात कर रहे हैं या कोई सांसद से बात कर रहे हैं या कोई बहुत VIP डिग्निटी से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं था। और सबको प्यार से वो रखते थे, हर एक को नाम से जानते थे, हर एक को भाई लल्लू क्या हाल है, क्या रामसाई क्या है, क्या भयंदर क्या हाल है, विनोद क्या हाल है, सबको नाम से पुकारते थे और सबकी बातें इत्मीनान से सुनते थे और सभी का काम करते थे। हम लोग कभी कभी कहते साहब आपको इस आदमी ने वोट नहीं दिया और आपको प्रायोरिटी दे, अरे नहीं अपने हैं अपने हैं अपने हैं, वो कहते थे। तो वो हर का इलाज करते थे। आज हमें बड़ा पीड़ा हो रही है, बड़े दुख हो रहा है, हम भी उनकी वजह से अनाथ हो गए। मेरे ऊपर तो उनकी कृपा थी, मेरे को 2 बार विधायक बनाया उन्होंने, 15 साल जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी रखा। आज हम उनकी जाने के बाद बिल्कुल अनाथ हो गए। पूरा दौसा जिला क्या, पूरा राजस्थान क्या, पूरा देश ही आज अनाथ हो गया है, क्योंकि वो किसानों के लिए बोलते थे। आज के टाइम में चाहे कोई भी हो, मोदी जी जो आज किसानों को बावड़ा बना रहे हैं, युवाओं को बावड़ा बना रहे हैं, हर जनता को बेवकूफ बना के राज कर रहे हैं, वो उनमें नहीं था। किसानों के लिए एकमात्र लीडर थे जो बोलते थे, मजदूरों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, हर एक के लिए वो बोलते थे, और वो किसी की परवाह नहीं करते थे कि मेरा लीडर क्या बोलेगा क्या नहीं करेगा। जनता के लिए रात दिन आवाज उठाते थे। और आप देखिए आतंकवाद कितना कश्मीर में था उस वक्त, कश्मीर की एकता, देश की एकता के लिए कश्मीर भी गए थे वो बिना डर के। धन्यवाद। तो ये हैं हमारे साथ में महेंद्र मीणा जी, जो इस वक्त गाड़ी में मौजूद थे, पूर्व MLA हैं, और पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया कि किस तरीके से उस दिन घटनाक्रम हुआ और कैसे देश ने एक जननायक को खोया, साथ ही क्यों राजेश पायलट आज भी हर दिल पर राज करते रहे हैं, वो उन्होंने बयां किया। कैमरामैन घनश्याम के साथ दिनेश शर्मा, News 18 दौसा। राजेश पायलट की 19वीं पुण्यतिथि के मौके पर दौसा के भंडाना में जिस जगह पर सड़क हादसे में उनका निधन हुआ, उस जगह पर बने स्मारक स्थल पर जननायक राजेश पायलट को उनके चाहने वालों ने श्रद्धांजलि दी। देश आज स्वर्गीय राजेश पायलट को याद कर रहा है। साल 2000 में आज ही के दिन हुए एक हादसे में राजेश पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और एक जननायक हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया था। NH 11 पर यही वो भंडाना गांव है जहां पर राजेश पायलट ने जो है सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई थी। दौसा से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पर यह गांव बसा हुआ है और यहीं पर जो है वो राजेश पायलट का जहां पर उनका देहांत हुआ था वहीं पर जो है उनका स्मारक बना हुआ है। आज बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर यहां पर श्रद्धांजलि भी राजेश पायलट को दी है और आज पूरे देश में शिद्दत के साथ याद किया जा रहा है राजेश पायलट को, क्योंकि उन्होंने जो है हमेशा गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज को पूरे देश में जो है बुलंद किया। राजेश पायलट को जाना जाता है उनके व्यक्तित्व के तौर पर, खास तौर से उनकी व्यक्तित्व की जो मिसाल कही जाती है वो ये कि हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में वो नाम से जानते थे, सकल से पहचानते थे, और यही वजह है कि राजेश पायलट हर दिल पर राज करने वाले जननायक थे, जननेता थे। साल 2000 में 11 जून का ही वो दिन था जब 4:20 पर भंडाना गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हुआ था। बताया ये जाता है कि 3 कार्यक्रम उनके संसदीय क्षेत्र में थे, भंडाना गीसगढ़ में, भांडारेज में और बानीकुई में। उन कार्यक्रमों को अटेंड करने के बाद उनको निकलना था दिल्ली के लिए, एक अर्जेंट मीटिंग के लिए उनको जाना था। जयपुर से जो है उनको फ्लाइट लेनी थी, जल्दबाजी थी। कुछ और जो लोग थे क्षेत्र के लोग वो भी उस वक्त उनकी गाड़ी में मौजूद थे और यही वो गांव है जहां पर, क्योंकि राजेश पायलट जो है खुद ड्राइव कर रहे थे, खुद जो है वो ड्राइवर सीट पर बैठे थे और खुद ही गाड़ी चला रहे थे। 4:20 पर बताया जाता है कि यहां पर ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ और एक रोडवेज बस ने जो है उनकी गाड़ी को टक्कर मारी जिसमें बुरी तरीके से वो घायल हुए। यहां से उनको ले जाया गया SMS अस्पताल जयपुर के लिए, लेकिन जब तक वो SMS अस्पताल पहुंचते उससे पहले काफ़ी देर हो चुकी थी और एक जो जननायक जो हर दिल पर राज करता था वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो चुका था। आज भी राजेश पायलट को याद किया जाता है उनके व्यक्तित्व के लिए, खासतौर से उन्होंने जो किसान हितों की आवाज़ बुलंद की, हमेशा जो है किसान हितों की पैरवी की, और राम राम सा जो उनका वाक्य जो रहता था, राम राम सा, जब भी वो अपने क्षेत्र में जाते थे तो राम राम सा का वाक्य बोलता था और पूरी जो जनता थी वो उन पर कायल हो जाती थी।
तो यही उनके व्यक्तित्व की मिसाल थी जिनके लिए उन्हें याद किया जाता है। और आज पूरे देश में, क्योंकि आज ही के दिन वो दिन है जब उस महान व्यक्तित्व ने जो है उनका जो है देहांत हुआ था और उन्होंने जो है इस संसार से अंतिम विदाई ली थी। राजेश पायलट अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन जैसे व्यक्तित्व हमेशा अमर हुआ करते हैं। और यही वजह है कि आज राजेश पायलट को जो है पूरे देश में, ना केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में शिद्दत के साथ याद किया जा रहा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 भंडाना। एक गुर्जर परिवार में जन्मे राजेश्वर प्रसाद के किसान से पायलट बनने का सफर दिलचस्प है। इसमें कड़ा संघर्ष है जिसमें तपकर उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। 10 फरवरी 1945 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, तब जिला गाजियाबाद के गांव वेदपुरा में एक गुर्जर परिवार में जन्मे राजेश्वर प्रसाद के पिता एक सैनिक थे। 10 वर्ष की उम्र तक साधारण जीवन जीते राजेश्वर प्रसाद के परिवार पर संकट तब आया जब इनके पिता का निधन हो गया। उस वक्त इनकी उम्र 11 साल थी। परिवार में माता, विवाह योग्य दो बहनें और एक छोटे भाई का दायित्व इनके ऊपर आ गया, जिससे जिम्मेदारी की भावना बहुत कम उम्र में आ गई। उस उम्र में पैदल कई किलोमीटर नंगे पैर चलते हुए भी शिक्षा पूरी करने की लगन और कुछ करने की चाहत लिए राजेश्वर प्रसाद को कुछ सालों के बाद गांव छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। यहां उनके चचेरे भाई की दूध की डेयरी थी। ये समय राजेश्वर प्रसाद के लिए कड़ी मेहनत का था। राजेश सुबह जल्दी उठते, दूध निकालते और मंत्रियों की कोठी में दूध देने जाते, फिर जल्दी आकर स्कूल भी जाते। इसी तरह शाम को भी दूध बांटकर फिर पढ़ने के लिए समय निकालते। ये वो कठिन समय था जब राजेश्वर प्रसाद को संघर्ष में लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन ये पीछे नहीं हटे और दोनों बहनों की शादी करने के साथ ही छोटे भाई को भी शिक्षा दिलवाई। लेकिन दुर्भाग्यवश छोटे भाई की आकस्मिक मृत्यु ने इनको अंदर से तोड़ दिया। परिवार की जिम्मेदारी संभालने और दूध सप्लाई का काम करते करते ही इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। खुद जिन मंत्री बने थे, तो जिससे में बने थे उसमें खुद दूध बेचते थे, तो वो आम आदमी से, जमीन से जुड़े हुए थे उनका। और दूसरा उनका कारण ये भी था कि वो किसान थे, खुद भी तो किसानों के दुख दर्द को जानते थे, इसलिए वे बड़े आदमी को तवज्जो दे या नहीं दे ले, क्योंकि सामान्य आदमी को तो जरूर देते थे। फिर आदमी चाहे दौसा संसदीय क्षेत्र का हो या राजस्थान का हो या कहीं का भी हो, वे उसको आते ही बता देते थे। दिल्ली कोई पहुंच जाता था तो बता देते थे कि क्यों आया है। उसको इतना ध्यान रहता था कि क्षेत्र के बारे में उनको पूरी जानकारी थी। और खासकर वे ऐसा कोई गांव या ढाणी नहीं रहता था जहां के आदमी तक वे नहीं जाते थे। और इनके चचेरे भाई नत्थी सिंह ने इनको पूरा सहयोग दिया। राजेश्वर प्रसाद एयरफोर्स में भर्ती हो गए। वायुसेना में प्रशिक्षण के बाद वे लड़ाकू विमान के पायलट बने और फिर 15 वर्षों की अथक मेहनत के बाद प्रमोशन पाकर स्क्वाड्रन लीडर बने। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया और बहादुरी के लिए पदक भी मिला। 1979 में राजेश्वर प्रसाद ने नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में प्रवेश किया। यहां से राजेश्वर प्रसाद के राजेश पायलट बनने का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। ये कहानी राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी की है, जिन्हें हम राजेश पायलट के नाम से जानते हैं। ये कहानी हौसले, संघर्ष, लगन और ईमानदारी की है। आइए देखते हैं एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर कैसे शुरू हुई राजेश पायलट की राजनीतिक यात्रा। राजेश पायलट एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। पहले उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हुई, जिसके बारे में बताया जाता है इंदिरा जी ने कहा, राजनीति में क्यों आना चाहते। इस पर राजेश पायलट ने कहा कि वे चौधरी चरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। तब इंदिरा जी बोली कि तुम बागपत से टिकट मांग रहे हो, वह तो सारा जाटों का इलाका है, पता है ना, वहाँ तो चुनाव में लाठियाँ चल जाती है। राजेश पायलट बोले,
मैडम मैं बम चला चुका हूँ तो क्या लाठियों का सामना नहीं कर पाऊंगा। राजेश पायलट की एयरफोर्स की नौकरी छूट गई। चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने की आस भी धुंधली पड़ती जा रही थी, मगर संजय गांधी के फोन ने उनकी किस्मत बदल दी। पहले राजेश पायलट ने राजनीति में भरतपुर के अनजाने से मैदान में चुनाव लड़ा और सबको चौंका भी दिया। 1980 में वे चुनाव जीत गए और सांसद बने। 1984 में राजेश पायलट को दूसरा चुनाव दौसा से लड़ने के लिए कहा गया। वो भारी बहुमत से चुनाव जीते। हालांकि 1989 में राजेश पायलट को भरतपुर से चुनाव लड़ने भेजा गया और वो चुनाव हार गए। इसके बाद राजेश पायलट ने 1996, 1998 और 1999 में दौसा से चुनाव लड़े और जीते भी। राजेश पायलट 6 बार लोकसभा का चुनाव जीते, पहला भरतपुर से, उसके बाद के सारे दौसा से। सिर्फ 1989 में हारे। केंद्र की कांग्रेस सरकार में राजेश पायलट कई बार मंत्री रहे। 1985 से 1989 तक केंद्र में राजेश पायलट भूतल परिवहन मंत्री रहे। 1991 से 1993 तक केंद्र में टेलीकॉम मंत्री भी रहे। 1993 से 1995 तक आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। राजेश पायलट की कश्मीर और उत्तर पूर्व के मामलों को सुलझाने में विशेष रुचि थी। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, अब वी आर लर्निंग आर्ट ऑफ गवर्नेंस, शासन कैसे चलाया जाता है, सरकार कैसे बनाई जाती है, हम उसे सीख रहे हैं। तो जब विपक्ष की पार्टियां आर्ट ऑफ गवर्नेंस को सीखने में लग गई तो सेवा की राजनीति देश से दूर होती जा रही है। और आज कांग्रेस का फर्ज है सेवा की राजनीति को देश में वापस लाए और उसी नैतिक मूल्यों की राजनीति को बनाए जो देश में बनने वाली है। राजेश पायलट मुखर और प्रभावी नेता थे। उन्होंने पार्टी में अपनी आवाज को हमेशा उठाया। राजेश पायलट ने अपने बागी तेवर सबसे पहले तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के सामने दिखाए। 1997 में राजेश पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। जब बाद में कांग्रेस की बागडोर सोनिया गांधी के हाथों में आई तो शरद पवार ने बगावत की और पार्टी छोड़ दी, लेकिन राजेश पायलट ने पार्टी के भीतर रहकर ही सोनिया गांधी का मुकाबला किया। सन 2000 में राजेश पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में राजेश पायलट हार गए, लेकिन पायलट के संघर्ष को सबने सलाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजेश पायलट जननायक थे। आज दौसा के भंडाना में इस जननायक को राज्य सरकार के मंत्रियों और नेताओं ने याद किया। मेरी तरफ से, मेरे सभी साथियों की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय पायलट साहब ने जो जीवन प्रारंभ किया था, जिन कठिनाइयों से, जिन चुनौतियों का सामना कर समाज में, देश में एक स्थान अपना कायम किया था, वो हम सब के लिए मिसाल है। एक पिता के रूप में, लेकिन उससे ज़्यादा एक नेता के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में, एक कुशल राजनीतिक के रूप में उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई थी, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, राजस्थान के लिए कैसे हम लोग विकसित हो सकते हैं, एक नई सोच का, नई परिकल्पना को अंजाम देना उन्होंने अपने जीवन में किया था। और सिर्फ 19-20 साल की राजनीति करी थी, उसमें बहुत कुछ ऐसा किया जो बहुत लंबे समय तक लोग उसको याद करेंगे। मैं उनके कामों को, उनके विचारों को स्मरण करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब उसी रास्ते पर चल सकें। इस देश के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने पूरे देश के अंदर किसानों की आवाज़ को पहुँचाने वाले ऐसे व्यक्तित्व को आज हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने पूरे देश के अंदर किसानों की आवाज़ को हमेशा पूरे देश में उठाने की व्यवस्था बात की थी। आंतरिक सुरक्षा मंत्री थे वो, उन्होंने जम्मू कश्मीर वगैरह में इतनी शांति पैदा की। बिरले ही ऐसे नेता होंगे जो ऐसे हों। उन्होंने तो परमपिता परमेश्वर ने उनको जल्दी उठा लिया, वरना इस देश के किसानों की बहुत आगे ले जाने की, उनको बहुत सुविधाएं देने का जो काम करने का काम था उनका, वो करते। लेकिन आप जानते हो कि काल को कोई रोक नहीं सकता था। आज मैं मेरी तरफ से, सबकी तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राजेश पायलट जी अपने आप में एक बहुत ही प्रेरणादायक पुरुष थे और आज उनकी कमी हमें खलती है। सिर्फ ना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, मैं समझती हूँ देश में एक इस तरह के नेता थे जो पूरे देश के बारे में चिंता करते थे, गाँव गरीब के बारे में चिंता करते थे, सभी के बारे में सोचते थे। आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राजेश पायलट साहब को आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको सजा दी देता हूँ। वो बड़े ही महान और किसानों के
नेता थे जिन्होंने पूरे इस राजस्थान के लिए और देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो आज उनके इस पुण्यतिथि के मौके पर मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ और उनको सच्ची सजा दी जाती है। स्वर्गीय पायलट साहब दौसा के मामले में जहाँ तक है कि पायलट साहब के नाम से दौसा का बड़ा नाम था, वो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के मसीहा थे। आज का दिन हम सब कार्यकर्ताओं को, सब कांग्रेसियों को एक तरह से प्रेरणा दिवस के रूप में मनाना चाहिए और जो उनकी कार्यप्रणाली थी उसको अपने जीवन में ग्रहण करके और जनता की सेवा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनका सोच प्रत्येक गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए था। हम सबको मिलकर उसी आधार पर काम करना चाहिए। राजेश पायलट साहब हर एक गरीब के, किसान के, मजदूर के, युवा के नेता थे और उनकी जगह आज भी उन सब के दिलों में बहुत अंदर तक, गहरे तक जमी हुई है। और इसीलिए हम देखते हैं कि राजेश पायलट जी को याद करने का कोई भी अवसर हो उस समय लोग अपनी पूरी भावनाओं के साथ उनको श्रद्धांजलि देने आते हैं। और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके किसानों के लिए विशेष रूप से किए हुए कार्यों को याद करते हैं। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।